बात मौसम की। इन दिनों देश के कई हिस्सों में मौसम की आंख मिचोली जारी है। कई राज्यों में सुबह ठंड महसूस हो रही है तो दोपहर होते होते गर्मी महसूस होने लगती है। देश का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 12 मार्च को वेस्टर्न हिमालय में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना जताई गई है। इसके कारण देश के कई हिस्सों का मौसम एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 12 से 14 मार्च के दौरान भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी 12 मार्च को मौसम में बदलाव आएगा और ज्यादातर इलाकों में आंधी के साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। राजस्थान में 12 मार्च के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 मार्च को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक 12 मार्च से 14 मार्च तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। 13 मार्च को बर्फबारी की तीव्रता अधिक होने की उम्मीद है। खासकर निचले इलाके प्रभावित होंगे जहां हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर पूर्व भारत में 13 और 14 मार्च को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग हल्की बारिश की संभाव्य भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, साथ ही कर्नाटक और केरल के दक्षिणी हिस्सों में भी इस अवधि के दौरान वर्षा होने का अनुमान जताया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहां 12 मार्च तक आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते राष्ट्रीय राजधानी में 13 मार्च को हल्की बारिश होने के आसार हैं। आईएमडी के अनुसार इस पूरे हफ्ते दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।